4 तारीख की घटना के विषय में एक नवयुवती ने जिसकी आयु 19 वर्ष है, उसने कोर्ट में अपना परिवाद योजित किया है, जिसमें उसने बताया कि उसके परिजनों के साथ जिसमें अन्य महिलाएं थी, पुलिस के कुछ कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की, बदतमीजी की और अश्लील हरकतें जो एक रात में 1 बजे की गई, उनके विषय में उसने कोर्ट में आज परिवाद योजित किया था, जिसे माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने अंगीकृत किया, स्वीकार किया और उसमें फर्दर इंक्वायरी के लिए उसको सेकंड डिसीजन भी कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया। अभी उसमें 14 तारीख लगी है उस नवयुवती के बयानों के। कुल 7 नामजद और 5-6 अन्य पुलिस कर्मचारी गण हैं। नामजद में कांस्टेबल सुशील यादव, कांस्टेबल सुरेंद्र बैंसला, एक शौकेंद्र सिंह है वो छतारी में इस समय थाना प्रभारी है, मुकुल पुत्र विपिन कुमार नाम का जो व्यक्ति था जिसकी आईडी वहां गिर गई थी जब पुलिस ने वहां बदतमीजी करी थी, उस आईडी के आधार पर नाम पता है, मुकुल पुत्र विपिन कुमार, निवासी 608 इडको वैशाली सेक्टर 4 गाजियाबाद। एक सुभाष लोधी है, चौकी इंचार्ज चिंगरावटी का जो समय था और उस समय का क्षेत्राधिकारी सत्यप्रकाश शर्मा, इन सभी के विरुद्ध वह परिवाद योजित हुआ है। और धारा 452, 323, 354, 504, 506, 354B बहत थाना से